तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गूगल जेमिनी पर यूट्यूब को इस्तेमाल करने का तरीका बताने जा रहा हूं, जिससे आप लोग आसानी से गूगल जेमिनी पर यूट्यूब को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी गूगल जेमिनी पर यूट्यूब को इस्तेमाल करने के लिए इस तरफ स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा दे रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके लिए सबसे पहले गूगल क्रोम ऐप को ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम ऐप को ओपन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद सर्च बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सर्च बार पर लिखें जेमिनी। तो चलिए लिख लेते हैं। जेमिनी लिखने के बाद सर्च कर ले, तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद सबसे ऊपर नजर आ रहे जेमिनी वाले लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है। नहीं लॉगिन किया है तो यहाँ पर लॉगिन करने को बोला जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद अब आप यहाँ पर ऊपर की ओर लेफ्ट साइड में नजर आ रहे थ्री लाइन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का विंडो खुलकर आ जाएगा। विंडो खुलकर आने के बाद अब आप यहाँ पर सबसे नीचे नजर आ रहे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का विंडो खुलकर आ जाएगा। विंडो खुलकर आने के बाद अब आप यहाँ पर एक्सटेंशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। इंटरफेस खुलकर आने के बाद ऊपर की तरफ कुछ दूर स्क्रॉल करें। कुछ दूर स्क्रॉल करने के बाद नीचे की ओर यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप इसे एक्टिवेट कर दें। इसे एक्टिवेट करने के लिए यूट्यूब लोगो के ठीक राइट साइड में नजर आ रहे बटन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही अब यूट्यूब का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। तो पीछे आ जाएं थोड़ा सा। पीछे आने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे नजर आ रहे इंटर ए प्रॉम्प्ट हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। तो चलिए क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जिससे भी रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख लें। तो जैसे कि मैं 90s के टाइम के बॉलीवुड के हिंदी गाने के वीडियो देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90s बॉलीवुड हिंदी वीडियो सॉन्ग। लिखने के बाद सर्च कर ले, तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद वेट करें। वेट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको सजेस्ट करेगा टाइटल। आप जिससे भी रिलेटेड प्रॉम्प्ट डालेंगे उसका टाइटल यहाँ पर, और जैसे ही ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने लगेंगे तो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर देखते हैं उसी तरीके से। तो चलिए मैं इस वाले गाने को प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद वेट करें, थोड़ी देर बफरिंग होगा, देख सकते हैं एड आ गया है, तो रोक देते हैं। तो दोस्तों इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी गूगल जेमिनी पर यूट्यूब को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर करें। साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।